देवी और देवता बालों के लिए सॉरी। कमेंट में चूतिया मत लिखना, मेरे को पता है कि मैं चूतिया दिख रहा हूँ इन बालों में यार, सॉरी। क्योंकि कल ही कल में सुभाष नगर में कोरोना के 14 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस निकल के आए हैं और आज पूरे सुभाष नगर में लॉकडाउन है और मैंने कई सालों से बाल नहीं कटाए हैं कोरोना की वजह से, तो मैं चूतिया लग रहा हूँ, मेरे को पता है। कमेंट में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बालों को साइड में रखते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज यार इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन रंगीन दिनों के बारे में जब हम बच्चे थे बचपन में और डोरेमोन देखा करते थे, क्या दिन थे वो भी। तो उन्हीं दिनों के बारे में बात करेंगे आज वीडियो में, एंड तक जरूर बने रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और डोरेमोन को भी शुरू करते हैं। देखो यार मैं तुम लोगों को बता दूं यार, डोरेमोन देखना मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर क्या तुम लोगों ने ये सोचा है कि डोरेमोन कैसे मरा? #डोरेमोन की मौत, डोरेमोन की मौत की असली कहानी #डोरेमोन। तो चलो यार डोरेमोन के मरने के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सेकेंड, डोरेमोन मैरिज इन लॉकडाउन? डोरेमोन मैंने तेरे एक एक एपिसोड देखा रे, तूने शादी कर ली सोचो यार तुम अपने कमरे में चड्डी बनियान पहने बैठे हुए हो और तुम्हारी ड्रॉअर खुले, जी हाँ तुम्हारे कमरे का ड्रॉअर खुले और उसके अंदर से निकल के आया ये नीला पांडा, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम उससे ये पूछोगे कि कौन है, तू कहाँ से आया है? मैं तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मैं तो उसे डंडा उठा के मारूंगा और फिर उसकी लाश से पूछूंगा कि तू मेरे ड्रॉअर के अंदर आया कैसे। और फिर जब इससे कोई ये पूछता है कि भाई तू कहाँ से आया, तो ये नीला पांडा कहता है हम लोग यहाँ पर तुमसे मिलने 22nd सेंचुरी से आए हैं टाइम मशीन से होकर। वाह वाह डार्क चल रहा है यहाँ पे। तो अब यार इस नीले पांडा को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है डोरा केक्स, डोरा केक खाता ही ये सबसे ज्यादा, और ये फ्यूचर से आया है किसकी, इस नोबिता की मदद करने। अब देखो यार नोबिता खुद 10 साल का है और वो 8 साल की शिजुका पे लाइन मारता है, और जब हम 10 साल के थे ना तब हम पता क्या करते थे, हमको सिर्फ एक ही लाइन का मतलब पता था जो होती है ये, और नोबिता पता नहीं 10 साल में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। वो बच्चों को बिगाड़ रहा है ये शो, अबे बंद कराओ डोरेमोन। तो अब यार नोबिता और डोरेमोन के बाद आती है एक और कैरेक्टर की एंट्री जो कि है जियान। अब जियान एक ऐसा कैरेक्टर है यार जो नोबिता को बार बार बारंबार और हजारों बार परेशान करता रहता है, उसका काम ही है ये, वो आता है नोबिता को पीटता है और चला जाता है, और नोबिता रोते रोते जाता है किसके पास, डोरेमोन के पास, और कहता है क्या मेरे को चाहिए गैजेट इसकी पॉकेट नहीं पॉकेट से, और फिर वो उसको परेशान करता है। और जियान की एंट्री यहीं पे खत्म नहीं होती, जियान के साथ रहता है एक लोमड़ी जैसी शक्ल वाला, उसका नाम है सुनियो। सुनियो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कह सकते हो तुम लोग यार, जो अपने पैसे का रौब पूरे शो में झाड़ते रहता है और उसको पेरिस हांगकांग लंदन पता नहीं कहाँ कहाँ तो वो घूम के आया है। अगर मेरा दोस्त मेरे से ये कहे कि मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ और गाड़ी में सिर्फ 4 जनों की ही जगह है तुम नहीं जा सकते, तो मैं उसके मुँह पर जूता फेंक के मारूंगा। तो यार पूरे जापान में अगर कोई सबसे तेज लौंडा है पढ़ने में तो वो है डेगी सुगी। जी हाँ डेगी सुगी एक और नया कैरेक्टर है जिससे नोबिता बेचारा हमारा नोबिता भाई जलता रहता है, क्योंकि वो उससे पढ़ने में तेज है और शिजुका उससे बोलती है इसलिए वो उससे जलता रहता है, जलना भी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ भी कोई डेगी सुगी है तो कमेंट में नाम लिख के बताओ। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे मैंने। तो बस डोरेमोन यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को यार, अगर तुमको डोरेमोन पसंद है तो वो लाइक बटन दबा के जरूर जाओ यार। और मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुमको डोरेमोन का कोई एक गैजेट मिले जो तुमको चाहिए तो तुम कौन सा लोगे? इस सवाल का जवाब तुम कमेंट में लिख के अपनी उंगलियों को कष्ट देके बता सकते हो। और हमारा डोरेमोन भाई भी तुम लोगों से एक बात कहना चाहता है कि डोरेमोन भाई बोलो क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता है कि नीचे लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन है वो दबा दो, और इस वीडियो पे अगर 20 लाइक आते हैं तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट तो नहीं किसी और कार्टून के कैरेक्टर वगैरह बताएंगे और थोड़े मजे करेंगे। तो बस यार वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक करके जरूर जाना और डोरेमोन भाई ने बोला है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बाय बाय।